नहीं उठा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा है। आप हर डर को शिकस्त दे सकती हैं भाभी, ये मैं जानती हूँ। इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन उस इंसान से कैसे लड़े जो उसका अपना बाप हो, जिसने मुझे जीना सिखाया, मुझे खड़े होना सिखाया, और आज वो ही मेरे बाबा मेरी बीवी की दुश्मनी में ये तक भूल चुके हैं कि मैं उन्हें कितना चाहता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं मैं उनसे। क्यों क्यों वो विरसा पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते, उन्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं। मैं मोहब्बत करता हूं विरसा से, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। बेटा ये क्या हरकत थी, खुदा ना खास्ता अगर उसे गोली वोली लग जाती तो क्या होता। अच्छी तरह जानता हूं कि क्या होता। उस फरमान की मेरे हाथों जान चले जाती और उसके कत्ल के इल्जाम में मुझे फांसी हो जाती, बस और क्या। वाह, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वो कत्ल हो जाता, और तुम जिंदगी को तुमने कोई 2 घंटे की फिल्म समझा बेटा, इधर बदला उधर बदला और सब कुछ खत्म। जिंदगी कोई खेल नहीं है, अजाब बन जाती है यही जिंदगी, और ऐसा अजाब के एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो लड़की आपकी भांजी विरसा, पहले भी उसकी वजह से फरमान दंदनाता हुआ गुंडों की तरह हमारे घर में घुस आया था, कितनी लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, और फिर वही एक बात विरसा इनकी दुश्मनी की वजह बनी हुई है। विरसा की शादी हो चुकी है, वो अपने घर जा चुकी है, मगर ये दोनों अभी भी एक बात पे दुश्मनी पाले हुए हैं। पूछिए इससे, क्यों गया था ये विरसा के घर? विरसा को काम था मुझसे कोई। अच्छा, तो यूं कहो कि वो लड़की खुद तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, तुम्हें बुलाती है फोन करके। अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अरे उसे कोई शर्म है कि नहीं? उसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, फिर वो क्यों पड़ी है तुम्हारे पीछे? उस वक्त तो बड़ी वकार वकार कर रही थी, अब क्या चाहती है वो तुमसे? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही, वो वकार के बिजनेस का काम था, और मैं कोई विरसा से मिलने नहीं गया और ना ही वो मुझसे मिलने आई, सिर्फ एक ही बार की मुलाकात हमारी। और उस एक बार का भी उस घटिया फरमान को कैसे ठीक ठीक पता है? इसका ये मतलब है कि वो पूरी पूरी खबर रखता है तुम्हारे बारे में और उसके बारे में भी। देखो आदिल, आज तुम्हें अपनी माँ से वादा करना होगा कि तुम आज के बाद विरसा और फरमान के मामले में नहीं पड़ोगे। मिलना तो दूर की बात, तुम उसके मैसेज का भी जवाब नहीं दोगे। बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अब खुद को इस मामले से अलग करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम इसी वक्त हम दोनों को यकीन दिलाओ कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। पापा, खाओ मेरी कसम कि आज के बाद तुम विरसा से कोई ताल्लुक कोई सिलसिला नहीं रखोगे, चाहे उसकी नौयत कैसी ही क्यों ना हो। बेटा तुम फरमान की तरह गुंडे नहीं हो, तुम्हारा एक फ्यूचर है, तुमने कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, मैं वादा करता हूं, नहीं मिलूंगा विरसा से, लेकिन लेकिन क्या? मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। एक हफ्ते बाद मैं विरसा से कभी नहीं मिलूंगा। तो
पता नहीं इस एक हफ्ते में और क्या क्या होने वाला है। खुदा खैर करे। हमसे वकार, हमसे बैठ जाए बिस्मिल्लाह। आप ठीक हैं? भाई क्या हुआ था इन्हें? शायद ये बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, इस वजह से इनकी ये हालत हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्हें फिर होश आ गया, इन्होंने अपना एड्रेस मुझे खुद ही बताया। अल्लाह हाफिज़। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ कार। आपको जरूरत क्या थी इस किस्म की बात करने की जिसकी वजह से वो नाराज होकर चला गया? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? यही तो कहा था कि सारे मसाइल उस औरत की वजह से, जितनी जल्दी उसे छोड़ोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। अगर साहबजादे भड़क उठे, अरे उस जादूगरनी ने अपने बस में कर लिया उसे, एक लफ्ज उसके खिलाफ सुनना बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो सच कहती हूँ हारिस, अगर आपको इतने मसाइल ना होते ना तो मैं अपने बेटे की मोहब्बत के साथ खड़ी होती। नहीं, अच्छा तो तुम भी यही चाहती हो, तो ठीक है फिर, मेरी सारी उम्र की कमाई हुई इज्जत खाक में मिलने वाली है। तुम और तुम्हारा बेटा मेरी इज्जत और मेरी रेपुटेशन की नीलामी का तमाशा देखना चाहते हो, तो फिर सुन लो मेरी बात, अच्छी तरह सुन लो, फिर जाकर अपने बेटे को भी बता दो। मैं गले में फंदा डालकर अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत का तमाशा लगाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। आप ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे? वो हमारा बेटा है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तो फिर जाओ, आज ही जाओ और जाकर अपने बेटे से बात करो। अगर वो जूबी से शादी करने को तैयार हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना उसे कह देना कि मेरे जनाजे पे भी आने की जरूरत नहीं है।